La 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 sabhi ke sabhi Come on everybody, a, right. yeah. right. a Maybe, very 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 good morning to all of you. janta janardhan. Come on, come on, come on, come on, come on. A very good morning to all of you. Good morning guys. Good morning. Good morning. Good morning. एडवोकेट जयदीप भट्ट व्हेन आई टेक एडमिशन इन सीएस कार्ड भैया हाथ जोड़ता हूं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं ठीक है पहली बात तो ये कि आपने अपने नाम के सामने एडवोकेट लगा रखा है फिर उसके बाद में तुमको ये भी नहीं पता कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो और क्या वहां पर लिख रहे हो भैया सी एस कार्ट है सी ए आर टी डी नहीं है वो इट इज सी ए आर टी सी एस कार्ट इंडिया हद मतलब और फिर आप सर्विस भी प्रोवाइड करोगे लोगों को कैसे time, कैसे भाई कैसे सर्विस दोगे बे हैं दैट टाइम मैम सेड मी दैट योर राइटिंग प्रैक्टिस विल बी ऑब्जर्व इन डेली बेसिस कैसे पॉसिबल होगा भैया ये और ये कैसे आपको कमिट किया गया होगा कि डेली बेसिस पे आप मतलब आप लिखोगे और यहां पे देखा जाएगा हाँ बेटा कहाँ लिख रहे हो कार्ड लिख रहे हो कि कार्ड लिख रहे हो आई डोंट थिंक सो कि दिस इज गोइंग टू बी पॉसिबल है एंड आई ऑल्सो वॉन्ट दैट समवन चेक माई राइटिंग स्किल्स बेटा डेली बेसिस पर तो ये नहीं हो पाएगा आई एम सॉरी मतलब अगर आपको ऐसा कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ लेकिन हाँ अगर आप अपना पेपर जो है वो सॉल्व करते हैं जो वीकली टेस्ट में होगा तो वहां पे आपको पार्श्वें हम जो है आपका आंसर चेक करके आपको वहां पे बताएंगे और आपको ये भी बताने वाले हैं कि उसमें आपको क्या इंप्रूवमेंट जो है वो करना चाहिए इतना कोई भी इंसान जो है वो कर पाएगा लेकिन डेली बेसिस पे आप क्वेश्चन लिखोगे या आप कोई भी चीज़ को लिखोगे और फिर उसको मतलब कोई बंदा वहां पे खड़ा रहे बेटा अरे नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं लिखना है इसको इसको ठीक करो इसको यहां पे ऐसा नहीं यहां पे वैसा नहीं पे वैसा नहीं तो वो स्पूनफंग वाला काम तो मेरे भाई नहीं होने वाला है, माफ कर दीजिएगा अगर आपको बुरा लगा होगा तो ठीक है चलिए राधे 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 सर वीकली टेस्ट कब होगा बेटा सब बता दिया जाएगा आज का अपना जो सेशन है आप आज का जो अपना क्लास होगा उसके बाद में कल आपका मेंटरशिप सेशन जो है वो रहने वाला है जिसमें सारी की सारी बातें जो है ना वो आपको क्लियर कर दी जाएगी बता दिया जाएगा सबका सर ठीक है चलिए ओके सब फैक्टर्स डिटरमाइनिंग ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितने पॉइंट सफिशियंट है आंसर के लिए चिन्ह में डिपेंड करता है बेटा कि आपको जो क्वेश्चन आया है वो कितने मार्क्स का है क्या वो चार मार्क का क्वेश्चन है पांच मार्क का क्वेश्चन है दस मार्क का क्वेश्चन या फिर आठ मार्क का क्वेश्चन है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा लेकिन सोलह जो पॉइंट वहां पर बोले गए ना वो पूरे के पूरे पॉइंट जो आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है सर बुक्स कब तक आएगी बेटा फिफ्टींथ ऑफ दिसंबर तक आपके घर पर जो बुक्स हैं वो आपको डिलीवर करवा दी जाएंगी फिफ्टीन ऑफ दिसंबर तक चलिए हाँ जी सुमित वर्मा सर लाइफ का नोटिफिकेशन नहीं आता है ग्रुप में क्लास का लिंक प्रोवाइड करवा दीजिए दिया कीजिए सुमित मेरे भाई एक बात बताओ मतलब बताओ मेरे को एक बात कि जब तुम्हारा स्कूल हुआ करता था जब तुम्हारा कॉलेज हुआ करता था और तुमको यह बता दिया गया था कि तुम्हारा स्कूल इतने बजे स्टार्ट होने वाला है तो क्या तुमको रोज नोटिफिकेशन आता था कि बेटा आधे घंटे के बाद में पंद्रह मिनट के बाद में तुम्हारा स्कूल जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है चुपचाप स्कूल में आ जाना या कॉलेज में आ जाना हाई बोलो बोलो जल्दी बोलो जब आपको पता है कि साढ़े नौ बजे आपका जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाता है तो ये इनविटेशन देने की क्या रिक्वायरमेंट है अरे सर आओ ना प्लीज़ सर वो फूफा जी हम वेट कर रहे थे कि कब आप हमारी क्लास में पधारेंगे और कब उसके बाद में हम आपकी क्लास जो स्टार्ट करेंगे फूफा जी आप आए नहीं फूफा जी बताइए अभी तक बताइए ऐसा होगा क्या सुबह सुबह मतलब रोस्टिंग करवाना ही करवाना है सर नहीं करके दो बोले सर रोस्टिंग करके ही दो बोले मुबसर ओ मिराज अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई <laughs> सी एस एस्परेंट अंजलि सर बुक्स सबको मिलेगी या जिन्होंने अलग से पेमेंट की थी बुक्स के लिए पीडीएफ सबको मिलेगा बेटा पीडीएफ जो है वो सबको मिलेगा और जो हार्ड कॉपी है

बोले बुक्स का पीडीएफ जो वो कब तक मिलेगा वो बेटा आपको संडे तक मिल जाएगा संडे तक सारे के सारे बच्चों के पास में बुक्स का पीडीएफ वगैरह जो होगा वो ऑलरेडी आपके पास में आ चुका होगा यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट दैट राइट चलिए सर और मेरे भाई इसी के साथ में मैं देख रहा हूं कि जो व्यूज है वो है 226 सौ लेकिन अगर लाइक्स के बारे में बात की जाए तो नालायक बच्चों ने लाइक जो है वो अभी तक सिर्फ 75 फाइव किए क्यों मेरे भाई हैं कौन सी उंगली में दर्द हो रहा है तुम्हारे बताओ जरा एक बार क्या पांचों उंगलियां जो है आपकी उसमें दर्द हो रहा है क्या जल्दी फटाफट से जितने भी बच्चे वॉचिंग है उतने बच्चों का लाइक जो है वो आ जाना चाहिए जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से सही मुबस्सर ठीक है <coughs> ओके मेरी बहना सर नोट्स की हार्ड कॉपी के लिए अभी पेमेंट कर सकते हैं क्या यस बेटा यू कैन डू इट कोई इशू नहीं सर क्लास ही नहीं दिखता है यूट्यूब पर सर आपके स्टार्ट करने के बाद काफी देर के बाद में शो करता है आप भी क्या बुरा मान मैं थोड़ी बुरा मान के मैं क्या को बुरा मानूंगा भाई हैं मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ी हूं जो हर बात पे बुरा मान के बैठ जाऊंगी कुछ भी बात कर रहे हो मतलब चलिए ओके भाई साहेब शेल वी स्टार्ट लाइव चैट को यहां पे कर देते हैं बंद और वी शेल स्टार्ट विद द क्लास राइट हर्ष हो जाओ पूछ रहे मतलब कल ना नहीं बेटा अगले जन्म का जो संडे आएगा ना उसकी बात कर रहे अपन ये जून के 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 बाद में जो संडे आएगा ना अगले तो वाला दिसंबर 2022 लिए लिए 2023 वो वाले संडे की बात कर रहा हूँ भाई अब सस्ता गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्रवीण चौधरी आपके पीसी बाबा आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार नया नया चैप्टर जो है वो अपन यहां पे स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो कि कब का है बोले 2005 का है और अगर बोले मैं ये वाले एक्ट के हिसाब से बात करूंगा तो हमने क्या कहा कि देखिए भाई साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो बंदा इंडिया का सिटीजन है उस बंदे का जानने का अधिकार है दे हैव राइट टू नो चीजों के बारे में उनको पता होना चाहिए उसकी सरकार कैसे काम कर रही है अच्छा काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है इस बात के बारे में जानकारी जो है वो बोले उनके पास में रहनी चाहिए गॉट द पॉइंट और इस चीज को इंश्योर करने के हिसाब से ये कहा गया कि जितने भी गवर्नमेंट वाले डिपार्टमेंट हैं फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले होंगे और या फिर बोले वो स्टेट गवर्नमेंट वाले होंगे उनके यहां पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो रहेगी उसको बोले आपको मेंटेन करना पड़ेगा चाहे तो बोले फिजिकल रिकॉर्ड में मेंटेन कर लो तो भी चलेगा और इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड में अगर आपने मेंटेन किया तो वो भी चलेगा राइट और फिर ये कहा गया कि आपके यहां पे एक बंदा अपॉइंट किया जाना चाहिए जिसका नाम होगा एस सॉरी पी आई ओ क्या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और उसको एसेस्ट करने के लिए एक बंदा रहना चाहिए जो कि सब डिविजनल लेवल पर या फिर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा जिसका नाम क्या होगा असिस्टेंट पीआईओ और अगर मान लो कोई भी हमारे कंट्री का नागरिक हमारे देश का जो नागरिक है वो अगर किसी इंफॉर्मेशन को मांगने के लिए आता है तो ऐसे केस में आप उसको क्या करेंगे जो इंफॉर्मेशन आपकी रहेगी वो बोले आप यहां पे प्रोवाइड करेंगे सब्जेक्ट टू कंडीशन कि अगर जो इंफॉर्मेशन सामने वाला मांगने की बात कर रहा है वो कॉन्फिडेंशियल वाली इंफॉर्मेशन है और या फिर सेक्शन नंबर एट सेक्शन नंबर नाइन सेक्शन नंबर ट्वेंटी फोर ऑफ द आर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के हिसाब से अगर वो इंफॉर्मेशन को शेयर करना अलाउ नहीं किया गया है तो ऐसे केस में आपको मना भी किया जा सकता है आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया जा सकता है लेकिन फिर मैंने आपको यह भी बताया कि अगर मान लीजिए आपने एप्लीकेशन दिया था किसके पास में पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास में और आपकी एप्लीकेशन वहां पर क्या हो चुकी है रिजेक्ट हो चुकी है आपसे कहा गया माफ कीजिएगा मेरे भाई लेकिन आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहां पे एक्सेप्ट नहीं करी जाएगी तो ऐसे केस में मेरे भाई अगर आपको लगता है कि गलत रिजेक्शन किया गया अगर आपको लगता है कि जो इंफॉर्मेशन मैंने मांगने की बात की है वो सेक्शन नंबर एट नाइन और ट्वेंटी फोर में कवर नहीं होती है तो ऐसे केस में आप ऑब्जेक्शन रेस करने का काम जो है वो यहां पर कर सकते हैं से किसके पास जाएंगे अपील करने के लिए उसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो भी हेड रहेगा जो उस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर वाला होगा उसके पास में हम जाएंगे सर हमको तो पता ही नहीं है कि कौन है वो बंदा तो जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया ना वो बंदा आपको ये लिखित में देगा कि इतने दिनों में आप अपील कर सकते हैं सोएनसो एपलेट अथॉरिटी के पास में आप जा सकते हैं सोएनसो ऑफिसर के पास में आप जा सकते हैं और वहां जाके अपील जो है वो बोले आप कर सकते हैं अंडरस्टूड द पॉइंट अब वहां पे भी जाने के बाद में अगर आपकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है तो फिर आपको दिया गया है आखिरी हथियार वो क्या है कि आप जा सकते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट था उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन आप लेने की बात कर रहे थे तो आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो भी आपका रहेगा उसके पास में जाएंगे और अगर मान लीजिए जो इंफॉर्मेशन आप लेने की बात कर रहे थे वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई थी तो आप स्टेट का जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेगा उसके पास में जाने की बात जो है वो आप यहां पर कर सकते हैं राइट तो ये इतना कंटेंट जो है मोटा मोटी अपन ने कल के क्लास में पढ़ा था और आज का जो क्लास है मेरे भाई ये आपके लिए मैं कहना चाहूंगा यहां पर कि इंपॉर्टेंट 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 मतलब कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर आठ सेक्शन नंबर नो क्या है एग्जेम्पन फ्रॉम द डिस्कलोजर कुछ चीजों के बारे में डिस्कलोज करना जरूरी नहीं है कुछ चीजों के बारे में बताना जरूरी नहीं है कुछ चीजों को यहां पे पब्लिक इंफॉर्मेशन का नाम दिया नहीं जाएगा कुछ चीजों को यहां पे सीक्रेट मान के चला जाएगा अंडरस्टूड बोल ठीक है भाई साहब सब इसके बारे में कहा दिया गया सेक्शन नंबर एट में दिया गया सबसे पहले वाली बात क्या कहते हैं सब सर्टेन कैटेगरी ऑफ द इंफॉर्मेशन हैव बीन हैगजेड एक्म कर दिया गया मतलब हमने ये इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड किया ना तो चलेगा फ्रॉम द डिस्लोजर अंडर द एक्ट सर कौन से कौन से हैं सबसे पहला दीज आर पहला पॉइंट यहां पे आपका आता है वेयर द डिस्कलोजर अगर बोले डिस्कलोज कर दिया ना तो प्री जुडिशियली मतलब कि नेगेटिवली क्या करेगा अफेक्ट करेगा किस चीज को हमारे देश के सॉवरिटी को हमारे देश के इंटीग्रिटी को द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन और स्ट्रेटेजिक साइंटिफिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द नेशन हो नो 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 ये इंफॉर्मेशन बोले हम क्या नहीं करने वाले हैं प्रोवाइड करने वाले नहीं है रिलेशन विद द फॉरिन फॉरिन स्टेट और द लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस सर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है जैसे यह पता चले कि, कि किसी टाइप का कोई ऑफेंस जो है वो होने वाला है तो इस इंफॉर्मेशन को भी प्रोवाइड किया नहीं जाएगा सवाल ही पैदा नहीं होता है अंडरस्टूड बाय सब ये समझा अब फॉर एग्जाम्पल सर बोले बैंकों के अंदर जैसे काम वगैरह जो है किस तरीके से होता है कैसे नहीं होता है उसके लिए आपने क्या किया आपने उसका जो ब्लूप्रिंट वगैरह है वो सब मांगने की बात करी पॉइंट आपने किसी बिल्डिंग का मैप वगैरह जो है उसको मतलब नीचे क्या है ऊपर क्या है दाए क्या है बाएं क्या है वो मांगने की आपने बात करी आपने ये बोला कि मेरे को पता होना चाहिए कि कोई भी सरकारी बिल्डिंग जो है वो कैसे बनी कैसे नहीं बनी आरबीआई का मैप मांगने की बात कर रहे हो भाई साहब है अब अब पगला वगला गए हो क्या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहां पर प्रोवाइड नहीं करी जाएगी सवाल ही पैदा नहीं होता है। दूसरा इंफॉर्मेशन विच हैजिन एक्सप्रेसली मतलब बता के एक्सप्रेस कर दिया गया है ठीक है एक्सप्रेस कर दिया मतलब बता दिया गया है एक्सप्रेसली फॉरबिडन फॉरबिडन मतलब मना किया हुआ है भाई लिखा लॉ में लिखा हुआ है सॉरी माफ कीजिएगा ऐसी टाइप की जो इंफॉर्मेशन है वो बोले आपको दी नहीं जा सकती है एक्सप्रेसली फॉरबिडन बाय एनी कोर्ट और बाय द ट्राइब्यूनल और द डिस्क्लोजर ऑफ विच मे कॉन्स्टिट्यूट द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट कोर्ट ने मना किया सरकार को सरकारी डिपार्टमेंट को कोर्ट ने बोला है कि ऐसी जो इंफॉर्मेशन रहेगी ना उसको देने का नहीं अगर दिया तो इसे कोर्ट के आदेश का खनन कहा जाएगा तोहीन मानी जाएगी गॉट द पॉइंट तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करी जाएगी जिसको कोर्ट ने प्रोवाइड करने से मना किया हुआ है कोर्ट ने बकायदा इसका जजमेंट पास किया है और कोर्ट ने कहा है कि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी को दी जानी नहीं चाहिए ठीक है अगला भाई साहब डिस्लोजर वुड कॉज अ ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज 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 ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेगिस्लेचर सर जहां पे हमारा पार्लियामेंट कैसे काम करता है हमारा स्टेट लेगिस्लेचर कैसे काम करता है वहां पे लोगों का आने जाने का टाइमिंग क्या रहता है वहां का बोले ब्लूप्रिंट वगैरह जो है वो किस तरीके का रहेगा वहां पर किस तरीके से जो आपका क्या बोले सेशन वगैरह है वो कैसे होता है एंट्री कैसे ली जाती है वगैरह 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 यह सब आपको नहीं बताया जाएगा क्यों नहीं तो जैसे 2006 की बात थी क्या संसद भवन पे हमला हुआ था वैसा हमला जो वो यहां पे भी हो सकता भाई ये है तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो है वो बोले आपके साथ में साझा नहीं करी जाएगी राइट ठीक है साहब अगला इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द कमर्शियल कॉन्फिडेंशियल ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेयर द डिस्क्लोजर वुड हार्म द कॉम्पटेटिव पोजिशन ऑफ एनी थर्ड पार्टी और अवेलेबल टू अ पर्सन इन फ्यूडिशरी रिलेशन का मतलब क्या होता है ट्रस्ट वाला सामने वाले बंदे ने आपके ऊपर भरोसा करके वो जो इंफॉर्मेशन है वो बोले आपके पास में प्रोवाइड ठीक है अनलेस द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सो वॉरेंट अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा और उसके लिए अगर वो सीक्रेट जो है वो देने की बात की जा रही होगी तो चलेगा सर अदरवाइज नहीं चलेगा एग्जाम्पल सुनो भाई सद्यान सर शायद आप लोगों ने सुना होगा बोले कोको कोला और पेप्सी भैया क्या पैसा कमाते हो भाई और पानी में चीनी मिला मिला के बेचते बेश है पानी में चीनी मिला मिला के बेचते हैं भाई पचास पैसे का उनका खर्चा आता है और बोले एक एक बोतल तीस रुपए चालीस रुपए पचास पचास रुपए की बोतल बेचते हैं बोले बेशरम कहीं के है लेकिन उनका जो बोले फॉर्मूला है जैसे वो कोकोकला या फिर पेप्सी बनाते हैं वो बोले भाई साहेब ट्रेड सीक्रेट है और ये इंफॉर्मेशन जो है ये बोले किसके पास में रिकॉर्डेड है ये इंफॉर्मेशन बोले सरकार के पास में रिजर्व है तो ऐसे केस में मतलब सरकार के पास में क्यों रिजर्व होगा सर क्योंकि पेटेंट करवाया होगा ना आपने तो सरकार के पास में इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है रिजर्व है तो ऐसे केस में अगर अपन यहां पे बात करेंगे तो इस इंफॉर्मेशन को आप यहां पे लेने की बातें नहीं कर सकते आपने शायद वो भी सुना होगा क्या सर बोले बिस्लरी के जो ओनर हैं राजेश या राकेश चौहान जी उन्होंने कहा कि मैं अपनी कंपनी जो है वो टाटा कंज्यूमर्स को बेचना चाहता हूं अच्छा एक बात बताओ अगर वो कहे कि नहीं यार बंद करना है मेरे को मेरे को बंद मेरे को चालू ही नहीं रखना है मेरे को बंद करना है गॉट द पॉइंट अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा अगर मैं बिस्लरी के बारे में बात करूं मार्केट शेयर जो है ना उसका 15 परसेंट हाइएस्ट ठीक है अगर हाइएस्ट की बात करेंगे 15 परसेंट शेयर जो है वो बिस्लरी के पास में गॉट द पॉइंट अब बिस्लरी पानी जो है वो लोग पीते हैं ये मानकर कि भैया सबसे बढ़िया जो पानी आपका अगर रहेगा ना जो फिल्टर किया हुआ जो सबसे बढ़िया पानी आपका रहेगा वो कौन से वाला बिस्लरी वाला ठीक है अब उसमें क्या क्या उसका प्रोसेस होता है कैसे उसको फिल्टर किया जाता है कैसे उसको यूवी प्रोडक्ट किया जाता है कैसे उसको आर किया जाता है इसका जो पूरा का पूरा प्रोसेस होगा हो हो वो एक ट्रेड सीक्रेट होगा बोले हाँ और वो बोले इन्होंने पेटेंट वगैरह जो है वो करवाया होगा बोले हाँ अब पॉइंट ऐसा है कि अगर चौहान जी ये सोचे कि भैया मेरे को ना तो इसको बेचने का है और ना ही बोले मैं क्या करना चाहता हूं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूं लेकिन जनता को तो ये प्रोडक्ट चाहिए ना मेरे भाई और जनता के हेल्थ के हिसाब से इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है ना मेरे भाई राइट तो ऐसे केस में अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो शायद ये इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों को दे दी जाएगी किसी के मांगने पर सब्जेक्ट टू वेरियस अदर कंडीशन ऑल्सो अदरवाइज शायद ये इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करी जाएगी ध्यान रखिएगा किसी और का ट्रेड सीक्रेट किसी और का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ठीक है किसी और की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो रहेगी ना उस बंदे की परमिशन के बिना आपको शेयर नहीं करी जाएगी क्योंकि आपका उसमें कोई इंटरेस्ट वैसे नहीं है अगर मैं देखा देखे जाएंगे तो ठीक है चलिए सर अगला पॉइंट भाई साहब इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट ओ माई गॉड रशिया से कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास में आई यूएस की कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास में आई तो क्या वो मतलब ऐसी जनता को बता दिया जाएगा क्या नहीं सर नहीं बता सकते इससे हमारे और उस कंट्री के जो फ्रेंडली रिलेशन वगैरह हैं वो क्या हो सकते हैं यहां पे हार्म हो सकते हैं उसमें दिक्कत जो है वो क्रिएट हो सकती है इंफॉर्मेशन द डिस्लोजर ऑफ विच डेंजर खतरे में डाल देगी इन डेंजर का मतलब क्या होता है खतरे में डालना क्या किसी की जिंदगी को और या फिर फिजिकल सेफ्टी को किसकी ऑफ एनी पर्सन और द आइडेंटिफाइज कॉन्फिडेंशियल सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन और ये बहुत ध्यान से भाई साहब क्या कहा अपन ने सेम पॉइंट यहां पे भी कहा गया भाई साहब कि अगर मान लीजिए जो इंफॉर्मेशन आप यहां पे मांगने की बात कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के बाद में किसी की जिंदगी जो है वो खतरे में आ सकती है किसी की सेफ्टी जो है वो खतरे में आ सकती है तो ऐसे केस में उस इंफॉर्मेशन को यहां पर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा सर एग्जाम्पल सर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है बोले सर पता चला कि किसी का रेप कर दिया गया किसी लड़की का रेप कर दिया गया गॉट द पॉइंट अब बोले जिसने रेप किया है उसके बारे में सबको पता है कि कि किसने रेप कर दिया किसने नहीं किया राइट लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं उस बंदी का नाम बताओ जिसका रेप अरे पागल वागल हो गए क्यार क्यों नहीं बोले वी हैव राइट टू इंफॉर्मेशन हमें जानने का अधिकार है अब गधे तेरे को तो जानने का अधिकार है लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसके समाज वाले उसके मोहल्ले वाले उसके आस पड़ोस वाले जो लोग रहेंगे वो उसको जीने नहीं देंगे वो वैसे उसको मरवा देंगे मार देंगे गॉट द पॉइंट तो क्या ऐसी इंफॉर्मेशन जो शेयर की जानी चाहिए क्या नहीं सर सवाल ही पैदा नहीं होता है किसी भी विक्टिम का जो नाम रहेगा वो आपके साथ में शेयर नहीं किया जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए ये समझ में आया बोला ठीक है सर चलिए अगला पॉइंट इंफॉर्मेशन दैट वुड इंपेड इम्पेड मतलब दखल अंदाजी करेगा ठीक है द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन सर कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और उस इन्वेस्टिगेशन में कोई अड़ंगा डालने के लिए आप कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो लेने की बात करें अगर आप लोगों ने वो आ, सीरीज देखा होगा कौन सा मनी हाइस्ट सबसे पहले वाला जो सीजन आया था उसके अंदर कैसा था सर बोले प्रोफेसर जो है ना वो एक कैफे में जाता है और कैफे उसी कैफे में जो पुलिस वाली है रेचल वो बोले वहां पे आती है और वहां पे आके बैठती है नॉर्मल बात बात करती है और उससे वो इंफॉर्मेशन जो है वो निकालने की कोशिश करता है क्या चल रहा है अंदर में क्या हो रहा है कितने लोग हैं बोले वहां पर ठीक है आप कैसे क्या उसको सपोर्ट कर रहे हो और वो एक बार तो ऐसा भी होता है कि वो उसके साथ में आ, यहां घुस घुसके चले आता है कहां पे? का जो आपका ये रहता है क्या बोलेंगे उसको? आ, जो वहां पे टेंट वगैरह लगे हुए रहते वहां पर पे, वहां पे घुस के चला जाता भाई साहब गॉट द पॉइंट तो क्या ये करना यहां पे अलाउड होगा क्या आंसर इज नो सर ऐसा करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा और एप्रीहेंशन प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर ये समझ में बोले ठीक है साथ? अगला पॉइंट कैबिनेट पेपर्स मतलब मंत्रिमंडल के जो पेपर्स वगैरह होंगे इंक्लूडिंग द रिकॉर्ड ऑफ द डेलिब्रेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सेक्रेटरीज एंड द अदर ऑफिसर्स सर एक बात बताओ मेरे को ना ये जानने का है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो अगले एक महीने में कहां जाने वाले हैं अगर पंजाब जाएंगे तो कैसे जाएंगे कौन सी गाड़ी से जाने वाले हैं कब जाएंगे टाइमिंग क्या उनका पूरा बताओ मुझे अरे मजाक चल रहा है प्रधानमंत्री के पूरे के पूरे यात्रा के बारे में तुमको यह पता लगाना है कि वो कब जाने वाले हैं कौन सी गाड़ी से जाने वाले हैं कितने लोगों के साथ में जाने वाले हैं ये सब इंफॉर्मेशन तुमको बता दे हे हाँ? अच्छा ओहो जी जी बिल्कुल सर अभी बताते हैं ये समझा तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो वो आपको प्रोवाइड नहीं करी जाएगी provided that the decision of the council of ministers, the reason thereof and the material on the basis of which the decision were taken shall be made public after decision has been taken and the matters is complete or over. कई बार ऐसा भी हो सकता है क्या सर बोले फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो फरवरी वाले महीने में बजट अनाउंस करने वाले हम उसके पहले पहुंच गए उनके पास बजट बजट बन रहा है बोले हाँ बना रहे सर बताओ क्या सोचा अभी तक ड्राफ्ट क्या तैयार किया तुम लोगों ने वो बताओ बोले अरे सर रुको जब पब्लिश करने का टाइम आएगा तो उस टाइम पे हम आपको पब्लिश कर देंगे और हम आपको सारी चीजें बता नहीं मेरे को पहले जानना है मेरे को पहले जानना सोच के देखो कि विपक्ष की जो पार्टी रहेगी वो पहले ही बजट बनने के पहले ही आरटीआई के हिसाब से पहुंच गई सरकार के पास में बोले बताओ तुम इस बार बजट में क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो और इसके पहले की बजट को प्रेजेंट किया जाए हंगामा चालू कर दिया भाई साहब नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए प्राणा नहीं होना चाहिए डिमका नहीं होना चाहिए कुछ भी चालू कर दिया क्या ही सही होगा क्या दिस विल नॉट बी राइट एट ऑल राइट चलिए प्रोवाइडेड फर्दर दैट दो सेक्शन शेल नॉट बी डिस्क्लोज प्रोवाइडेड फर्दर दैट दो बोले एग्जम्शंस में आते हैं प्रोवाइडेड अंडर दिस सेक्शन ये बोले आपको यहां पे क्या नहीं करना डिस्कलोज नहीं करना पर्सनल इंफॉर्मेशन विच इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी अनलेस लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इज जस्टिफाइड मतलब बैंक के पास में मेरे सारे रिकॉर्ड जो है वो मैंटेन्ड है मेरा अकाउंट नंबर बोलो ठीक है मेरे अकाउंट uh, का बैलेंस के बारे में बात करो मेरे लोन के बारे में बात करो मेरे इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करो ये सारे रिकॉर्ड मिल जाएंगे या फिर अगर आप पैन कार्ड डिपार्टमेंट के पास में जाते हो और पैन कार्ड डिपार्टमेंट वालों की बात अगर मैं करूं तो मेरी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है पूरी की पूरी सब उनके पास में मिल जाएगी सोच के देखो कि आप में से कोई बंदा वहां जाता जाके कहता है सर वी हैव राइट टू नो क्या सर जो है, उनकी इनकम क्या है, उनकी क्या है, उनकी सेविंग क्या है उनके वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कर रहा होगा लेकिन भैया वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसको आपको जानने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन सर हर्षद मेहता नाम का एक आदमी था 1992 की बात है उसका सारा काला चिट्ठा सफेद चिट्ठा बुरा चिट्ठा गोरा चिट्ठा सब का सब जो था ना सब बोले निकाल के बाहर कर दिया गया था सर सब कुछ देख लिया गया था ए टू जेड सब कुछ जो देख लिया गया था और सब कुछ जग जाएगा क्यों सब लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वॉज इनवॉल्व वो बोले उसका पैसा नहीं था वो जनता का पैसा था जनता का पैसा जो लोगों ने बैंकों में जाके सेव किया था उस पैसे को उठा के स्टॉक मार्केट में लगाया गया था तो अगर ऐसा इंटरेस्ट वहां पे आ जाता है तो बोले उसको क्या किया जा सकता है डिस्क्लोज किया जा सकता है ये समझ में आया भाई साहब बोले ठीक है सर तो अगर मैं बात करूंगा सेक्शन नंबर एट के बारे में तो इतनी सारी बातें जो है वो आपको वहां पे बोली गई हैं सारे के सारे पॉइंट लिखना इज नॉट इंपॉर्टेंट लेकिन ध्यान में आपके रहे तो ज्यादा बेहतर होगा अगला पॉइंट सर रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट सेक्शन नंबर नाइन यहां पर एक ही बात बोला गया क्या कहता है भाई साहब द पी आई ओ हैज बिन एम्पावर्ड टू रिजेक्ट अ रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन वेयर एंड इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ कॉपी राइट सब्सिस्टिंग इन अ पर्सन Would be involved. Oh my God. क्या? बोले कोई तो भी ऐसी चीज है जिसको कि सामने वाले बंदे ने कॉपरेट करवाया हुआ है कॉपरेट किस चीज का होता है सर सर नॉर्मली अगर मैं बात करूंगा तो copyright जो आपका होता है ये लिटरेरी वर्क का रहता है लिटरेचर वगैरह जो हो गया ठीक है या फिर म्यूजिकल वर्क जो आपका रहेगा उसका होता है या फिर जो आपका ये रहेगा क्या बोलेंगे इसको मूवीज वगैरह जो होती है फिल्म लगा लीजिएगा साउंड रिकॉर्डिंग लगा लीजिएगा इन सब का कॉपरेट जो है वो आप करवा सकते हैं और उसका अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगने की बात करें कोई दूसरा आदमी भैया तुमको कहे दे भैया तुमको कहे देंगे ये वाली इंफॉर्मेशन सवाल ही पैदा नहीं होता है, हम तो नहीं देने वाले ये समझा तो ऐसी बात जो वो वहां पे आपकी आ जाएगी अगला पॉइंट पार्शियल डिस्क्लोजर ये अपन कल भी बात कर चुके थे इसके पहले टॉपिक आपका आ चुका है सेक्शन नंबर टेन जो है वो यहां पर आपसे कहता है ओनली दैट पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड विच डज नॉट कंटेन एनी इंफॉर्मेशन बलीवर्डर्ड severed. Severed मतलब जिसको अलग किया जा सकता है ठीक है फ्रॉम एनी पार्ट दैट कंटेन एग्जेम इन्फॉर्मेशन मे बी प्रोवाइडेड ये पढ़ चुके पहले एज पर सेक्शन नंबर टेन ऑफ द एक्ट इफ रिक्वेस्ट एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन इज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज इन रिलेशन टू दिन विच इज एक्ज फ्रॉम डिस्कक्लोजर

कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है एक सेकेंड मान लीजिए कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है ठीक है इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुल मिला के बोले भाई साहब मान लीजिएगा टेन पेजेस हैं ये टेन पेजेस में से पहले चार पेजेस जो है वो कॉन्फिडेंशियल हैं ठीक है थीके? बाकी छह पेजेस जो हैं ये बोले आपके कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो अगर ये छह पेजेस अलग किए जा सकते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और ये प्रोवाइड नहीं करी जाएगी और आपको ये कारण भी बता दिया जाएगा देखिए सर कुल मिला के डॉक्यूमेंट जो है वो दस पेजेस का था लेकिन पहले चार पेजेस में जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल वाली है या तो बोले सेक्शन नंबर आठ सेक्शन नंबर नौ सेक्शन नंबर ट्वेंटी के हिसाब से मना किया गया है कि ये इंफॉर्मेशन किसी को भी शेयर ना की जाए करके इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं इस बात का बोले आप यहां पे क्या कीजिएगा ध्यान रखिएगा अंडरस्टूड द पॉइंट बोले ठीक है आप बोले चलिए फिर इसके बाद में एक और एक्सक्लूजन सेक्शन नंबर कौन सा ट्वेंटी फोर सेक्शन नंबर ट्वेंटी फोर जो है यह बोले एक और एक्सक्लूजन के बारे में बात यहां पे करता है क्या कहता है सर बोले द एक्ट जो है वो एक्सक्लूड करता है इसको भी और इसको भी सर ये कौन है सेंट्रल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी एजेंसीज रॉ ठीक है IB बी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो नार्कोटिक्स एनसीबी सी बी आई द पॉइंट सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सिक्योरिटी एजेंसी स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल आई बी इंफॉर्मेशन ब्यूरो आर ए डब्ल्यू जो रॉ आपका है जो कि इंटेलिजेंस का काम करता है फिर डायरेक्टरेट ऑफ द रेवेन्यू इंटेलिजेंस सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो फिर डायरेक्टरेट ऑफ द इन्फोर्समेंट नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक्सेट्रा उनसे कहता भाई साहब देखो तुमको अच्छे से पता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है और कौन सी कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल है कौन सी कौन सी नहीं है एग्जाम्पल किसी ने पूछा बताइए ड्रग डीलर का नाम क्या है भैया रुक जाओ अगर हमने अभी से आपको ड्रग डीलर का नाम बता दिया तो जो पूरा का पूरा रैकेट है पूरा का पूरा जो ये आपका आ, क्या बोलेंगे नेटवर्क है वो बोले पकड़ में नहीं आएगा हम नहीं बता सकते उनको ही कह दिया गया तुम खुद डिसाइड कर लो कि कौन सी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है कौन सी दे दी जानी चाहिए और कौन सी नहीं दी तुम डिसाइड करो बोलो ये उनको बोल दिया गया गॉट द पॉइंट तो ऐसा बोले यहां पे किया जा सकता है दिक्कत नहीं अगला एजेंसीज स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू अ नोटिफिकेशन विल ऑल्सो भी एक्सक्लूडेड मतलब अगर कल को जाके इस लिस्ट के अंदर इस शेड्यूल के अंदर कोई और एजेंसी को एड करना है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मांगना अलाउड नहीं होगा तो उसको बोले यहां पर एड कर दिया जाएगा और उससे भी बोले अपनी इंफॉर्मेशन मांगने की बात जो वो यहां पर नहीं कर पाएंगे ठीक है चलिए द एक्सक्लूजन हाउ एवर इज नॉट एप्सोल्यूट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एन सी बी वालों से कुछ भी नहीं पूछ सकते इसका मतलब यह नहीं है कि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों से कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं ऐसा नहीं बोला भाई साहब नॉर्मल इंफॉर्मेशन जो जो ले सकते हैं वो ले सकते हैं ठीक है एंड दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव एन ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एलिगेशन ऑफ द करप्शन ह्यूमन राइट वॉयलेशन वगैरह वगैरह बेस्ट एग्जाम्पल भाई साहब आपके सामने क्या एनसीबी का केस हुआ था शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान पकड़ा गया था ड्रग्स केस में बोले कोई तो भी क्रूज वगैरह था तो वहां पे कुछ पार्टी वार्टी थी तो उसमें बोले आर्यन खान और बोले उसके एक फ्रेंड को ड्रग्स के साथ में पकड़ा गया ठीक है और फिर उनको बोले जेल में डाला गया फिर जो उसका एनसीबी का जो चीफ था नाम भूल गया मैं उसका जो भी नाम था उसका ठीक है तो उसके अगेंस्ट में एक्शन जो है वो लेने की बात वहां पर करी गई कि ऐसा ऐसा है हाँ, ठीक है तो बोले भाई साहब ये जो है वो करने की कोशिश वहां पर बाद में जाके जब बोले छानबीन करी गई तो ये पता चला कि अरे भैया सवाल ही पैदा नहीं होता आर्यन खान के पास में ना तो कोई ड्रग्स मिला था ना ही कुछ और 25 से 30 करोड़ रुपए ऐठने के चक्कर में झूठा केस जो है वो बोले आर्यन खान के ऊपर कर दिया गया झूठा केस जो है वो बोले आर्यन खान के ऊपर कर दिया गया गॉट द पॉइंट तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो यहां पे मांगने की बात करी जा सकती है और एक्शन लिया जा सकता है अंडरस्टूड द पॉइंट भाई साहब येस और नो बोले ठीक है चलिए तो आई होप चलिए तो भाई साहब यहां पर आंसर हेडिंग देंगे इंफॉर्मेशन exempted फ्रॉम डिस्क्लोजर अंडर RTI. ठीक है इसके लिए तीन बातें तीन बातें कौन सी कौन सी बातें सबसे पहला सेक्शन नंबर एट सेक्शन नंबर एट दूसरा सेक्शन नंबर नाइन और तीसरा बोले सेक्शन नंबर ट्वेंटी फोर सबसे पहले ट्वेंटी फोर की बात करेंगे तो बोले सर सम एजेंसीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल टू ठीक है नाम जो है वो दिए गए होंगे शेड्यूल नंबर टू के अंदर शेड्यूल टू आर एग्जिप्टेड फ्रॉम प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अंडर आर टी आई सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन ठीक है मैंने पढ़ा वहां पर फिर उसके बाद में मैंने अपनी लैंग्वेज में बात को समझ लिया समझ के मैंने इस चीज को अपने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया जब फाइनल एग्जाम में इस चीज को मैं लिखने जाऊंगा तो मैं इसी चीज को अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा और इलाबरेट करने की कोशिश जो है वो मैं करूंगा समझ में आ रही है आपको बात ये ध्यान रखिएगा भाई साबा अभी फिलहाल जब आपकी क्लास चल रही है ना प्लीज डू नॉट सी कि ये सामने जो बंदा खड़ा है ये टीचर है ये ये पढ़ा रहा है आप ऐसा मान के चल लो कि प्रवीण सरना अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर वो स्टूडेंट हैं और अगर वो इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो हमें भी इसी तरीके से क्या करना है तैयारी करना है हमें भी ऐसी ही चीज़ें जो है वो यहाँ पे करनी है इसी माइंडसेट से अपने को यहाँ पे चलना है और इसी तरीके से अपने अंदर इंप्रूवमेंट जो है वो अपने को लेके आना है बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई मुझे चार्ट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे पास में ऑलरेडी चार्ट जो है वो बने हुए हैं पिछले वाली बैच में बनाए थे उसके पिछले वाली बैच में भी बनाए थे राइट उसके बावजूद मैं फिलहाल यहाँ पे चार्ट बना रहा हूँ क्यों ताकि आपको ये समझ में आए कि चार्ट बनाते कैसे ये बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब ये पूरा का पूरा क्लास आपका खत्म होगा ना आज से तीन महीने बाद चार महीने के बाद गॉट द पॉइंट चार महीने के बाद तो तब आपको यह समझ में आगे भाई मेरे पास तो सोना इकट्ठा हो गया खदान इकट्ठी हो गई मेरे पास में जिसको कि मैं एग्जाम के एक दिन पहले पूरा का पूरा रिवाइज भी कर सकता हूं और मेरी लैंग्वेज में है और इसको मैं अपनी लैंग्वेज में और अच्छे तरीके से एग्जाम में रिप्रोड्यूस भी कर सकता हूं लेकिन हाँ यह ध्यान दीजिएगा प्लीज ऐसा चार्ट बनाने की कोशिश मत करना ये जो चार्ट में यहां पे बना के दे रहा हूं ना ये आपके माइंड मैपिंग के लिए है जैसी बातें एग्जाम के बारे में आपके दिमाग में अचानक से हिट होगा सेक्शन 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 नंबर 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 आपको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी बच्चे बोलते ना सो सेक्शन याद कैसे होंगे याद कैसे होंगे मत करो याद करने भी नहीं पड़ेंगे क्योंकि ये वाला जो चार्ट है जब आपके खुद के हाथों से लिखा हुआ रहेगा और जब आपने सबसे पहले यहां पे शब्द पढ़ा एग्जेम्प्टेड अपना हेट होगा सेक्शन नंबर आठ नौ चौबीस सेक्शन नंबर आठ नौ चौबीस अपना आप हिट होगा ये समझा ठीक है फिर इसके बाद में सर बोले सेक्शन नंबर नाइन ये क्या कहता है सर बोले एनी इंफॉर्मेशन विच इज प्रोटेक्टेड एनी इंफॉर्मेशन विच इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट cannot be provided unless unless a larger public interest is involved जब तक कि बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है तो कोई इंफॉर्मेशन जो है वो बोले यहां पे कॉपरेट वाली वो प्रोवाइड नहीं करी जाएगी किसी और की भाई साहब वो उसी का अधिकार उसके ऊपर अगर वो चाहे तो देगा अगर वो चाहे तो ना दे भाई साहब राइट लेकिन सबसे जो खतरनाक वाला पॉइंट आपका आता है ये है कौन सा सेक्शन नंबर आठ सर इसको ध्यान से यहां से दोबारा एक बार आप अच्छे से देख लेंगे क्या बोलता है सबसे पहला पॉइंट देश हित के अगेंस्ट नहीं दी जाएगी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे देश के हित के अगेंस्ट में रहेगी वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड नहीं करी जाएगी दूसरे वाला पॉइंट क्या कहता है सर दूसरे वाला पॉइंट इंफॉर्मेशन फॉरबिडन बाय कोर्ट जो इन्फो कोर्ट ने देने से मना किया है कोर्ट ने मना कर दिया कि ये इंफॉर्मेशन जो है वो बोले शेयर करने का नहीं मतलब करने का नहीं तीसरा सर वेयर द डिस्क्लोजर वुड कॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिवलेज ऑफ पार्लियामेंट ठीक है जहां इन्फो शेयर करने से पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिविलेजेस ब्रीच होंगे ठीक है वो वाली इंफॉर्मेशन फिर इसके बाद में चौथा फोर्थ वन सर बोले जिससे कि कोई सामने वाले बंदे का या फिर ऐसा यहां पे कोई भी कमर्शियल सीक्रेट ट्रेड सीक्रेट ठीक है विच विल, विच विल नेगेटिवलीफेक्ट दिव पोजीशन ऑफ एनी पर्सन वो नहीं करी जाएगी ठीक है फिर इसके बाद में पांचवा बीच में ऐसा खुद से ऐसा याद भी आ सकता है क्या किस बोले इन्फो

विच में हम एनी पर्सन किसी दूसरे को ठीक है एनी पर्सन और हिज सेफ्टी गॉड द पॉइंट उसकी सेफ्टी जो है उसको हार्म करेगी तो वो इंफॉर्मेशन जो वो भी आपको प्रोवाइड नहीं करी जाएगी एग्जाम्पल कई बार आपने देखा होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है या कोई भी और टीम फुटबॉल की लगा लो हॉकी की लगा लो ठीक है जहाँ पे हमें बहुत उम्मीदें होती है कि वो पाकिस्तान से जीत के आएगी या फिर वो वर्ल्ड कप जीत के आएगी लेकिन वहाँ पे कचरा करके आ जाते हैं इतना बड़ा कचरा कि भाई साहब सामने वाली जो टीम है वो आ, क्या बोले बिना कोई विकेट के भी आपसे जीत के आ गई अरे भाई साहब गुस्सा खतरनाक वाला आता है तो ऐसे केस में बोले आर से पता लगाते हैं कि कौन से फ्लाइट से कौन से एयरपोर्ट पर कौन सी बस से इंडियन टीम आने वाली है जैसे वो लोग आएंगे ना आग लगा देंगे बस को अरे भाई पागल पागल हो गए वो क्या कि ये करना अलाउड होगा अबे मैच है गेम है कोई जीतता है कोई हारता है क्या फर्क पड़ रहा है नहीं बोले मैं तो लगाऊंगा अरे बकवास है ये ये सब अलाउड नहीं होगा सर राइट चलिए फिर इसके बाद में अगला इंफॉर्मेशन रिसीव ठीक है ये हो गया ये भी हो गया इंपीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ठीक है एनी इंफॉर्मेशन इन्फो विच में इम्पीड वर्ड अगर आपको याद नहीं आता है तो लिख देना इंटरप्ट सॉरी इंटरप्ट इंटरप <coughs> द इन्वेस्टिगेशन और एनी इंक्वायरी ऐसा लिखा हुआ नहीं है तो क्या हो गया लगभग सेम मतलब होता है सर इन्वेस्टिगेशन का और इंक्वायरी का तो लिख देंगे यहां पर कोई दिक्कत नहीं ठीक है यह हो गया फिर इसके बाद में अगला पॉइंट सबले कैबिनेट पीपर्स Cabinet papers, unless the respective ministry, respective ministry feels. जस्टिफाइड टू पब्लिश दो डॉक्यूमेंट्स ठीक है अगर वो खुद से पब्लिश करने की बात करें तो ठीक है नॉट अदरवाइज राइट और पर्सनल ये ठीक है ये अगर नहीं भी अलग से लिखा तो भी चलेगा या लिख देते हैं यहां पर नाइन्थ वाला पॉइंट नाइन्थ वाला पॉइंट इंफॉर्मेशन विच में हार्म प्राइवेसी अनदर किसी और की जो प्राइवेसी वगैरह है उसको हार्म कर सके ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो बोले आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाएगी चाहे बोले जो कुछ भी हो जाए गॉट इट डन चलिए सर इसको कर लीजिए नोट डाउन और ऐसे चीजों को अपनी भाषा में लिखने की आदत डाल लीजिए प्रवीण सर आप हर एक चीज हमको लिखवा के दोगे ना लिखवा के देनी चाहिए क्या अब बताओ भाई साहब अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको स्पून फीडिंग नहीं करना है आपको खुद के अंदर चीज़ें जो हैं वो डेवलप करनी है और अगर हर एक हर एक वर्ड हर एक हर एक बातें जो हैं हर एक हर एक पॉइंट जो है अगर उसका चार्ट मैं बना के दूंगा तो आप में डेवलपमेंट आएगा क्या हाँ? समझ में ही मेरी बात तो इस चीज को आप यहां पे क्या करेंगे ध्यान में रखेंगे राइट डन कर लेंगे मेरे भाई नोट डाउन थोड़ा सा जूम कर देता हूं सबसे पहले इंफॉर्मेशन एग्जेप्टेड फ्रॉम द डिस्लोजर अंडर द आरटीआई बेहतर यह रहेगा कि जब मैं लिखवा रहा हूं उसी के साथ में आप क्या करेंगे नोट डाउन कर लेंगे बाद में क्लास खत्म होने के बाद में एक बार उसको थ्रू कर लेंगे और अगर हो सके तो फिर से थोड़े से शब्दों को चेंज करके अपने लैंग्वेज में वापस लिखने की कोशिश जो है वो अगर आप करेंगे तो आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना वो गजब वाला मिलेगा मेरे भाई राइट चलिए सर सो सौ मूव अहेड बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले वाले टॉपिक के बारे में सर so, अगला टॉपिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर आसान है बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है ठीक है सर कहा गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंट्रल लेवल पर एक इंफॉर्मेशन कमीशन होना चाहिए आयोग हिंदी में क्या कहा जाएगा इसको आयोग नाम जो है वो दिया जाएगा कि एक इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो बोले आपका यहाँ पे रहना चाहिए बोले ठीक है साहब रहेगा ठीक है क्या कहते हैं सबसे पहली बात सी मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये बोले कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके लिए जो ऑफिशियल गैजेट है वहां पे नोटिफिकेशन जो है वो दिया जाएगा भाई साहब यहां पे एक नया वर्ड आपको दिख रहा होगा क्या गैजेट सर ये गैजेट का मतलब क्या होता है इसे कहा जाएगा भारतीय राजपत्र सर ये क्या होता है ये लगा लो सरकार का ना न्यूज है सरकार अगर कोई भी काम कर रही है जो कि जनता को पता होना चाहिए ठीक है उसको क्या करेगा गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर क्या कर देगा उसको पब्लिश कर देगा ठीक है तो भैया सीआईसी जब कॉन्स्टिट्यूट किया गया होगा तो इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आपका गेजेट रहेगा जिसे भारतीय राजपत्र कहा जाता है उसमें बोले इसको क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा जाएगा बता कि ऐसा ऐसा हुआ है। से इसमें कौन कौन होगा सर ये जो इंफॉर्मेशन कमीशन है इसके अंदर एक तो रहेगा चीफ कमिश्नर ठीक है एंड बाकी रहेंगे अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक तो रहेगा चीफ कमिश्नर दूसरे रहेंगे अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो कि नंबर जो रहेगा ना वो दस से ज्यादा नहीं होने चाहिए भाई साहब ठीक है दीज बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भाई साहब ये जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेंगे इनको अपॉइंट कौन करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी जिसमें कि कौन होने वाले हैं पीएम रहेंगे जो कि कमेटी के चेयरमैन होंगे एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा मतलब लोकसभा में जो भी अपोजिशन है कांग्रेस वाले होंगे या आप वाले होंगे जो भी रहेगा ठीक है सर वो एक बंदा रहेगा और यूनियन कैबिनेट के, के मिनिस्टर जिनको नॉमिनेट कौन करेगा प्राइम मिनिस्टर जो है यानी कि यहां पे, पे सिंपली ये कहा गया वही मैं बोल रही हाँ कुछ तो भी गड़बड़ हो गई थी ठीक है चलिए तो यहां पे ये कहा गया कि भाई साहब सबसे पहली बात तो ये कि एक ना कमेटी बनाई जाएगी कमेटी ठीक है, जिसके अंदर तीन लोग रहेंगे पहला बोले पीएम होंगे दूसरा हेड ऑफ अपोजिशन ठीक है तीसरा सर बोले क्या था कैबिनेट मिनिस्टर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ठीक है और इसको बोले नॉमिनेट कौन करेगा नॉमिनेटेड बाय पीएम इसको नॉमिनेट कौन करेगा पीएम जो होंगे वो बोले नॉमिनेट करेंगे ठीक है और ये जो कमिटी है ये क्या करेगी ये बोले भाई साहब रेकमेंड करेगी रेकमेंड करेगी क्या नेम ऑफ नेम ऑफ पर्सन्स टू बी अपॉइंटेड एज कमिश्नर इन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर सर किसको रिकमेंडेशन दिया जाएगा यह जो रिकमेंडेशन दिया जाएगा यह किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और जो बोले हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेंगे इनका काम होगा कि आपको क्या करना है ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूट द सी आई सी सी आई सी जो है वो बोले यहां पे क्या किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और इसके अंदर क्या बताया हमने हमने कहा दो लोग रहेंगे वैसा ठीक है एक रहेगा आपका कौन चीफ कमिश्नर ठीक है और दूसरा अदर कमिश्नर्स Not exceeding, ten, दस के ऊपर नहीं होने चाहिए चीफ कमिश्नर और अदर कमिश्नर जो कि बोले कितने के ऊपर नहीं होने चाहिए दस के ऊपर होने नहीं चाहिए ठीक है बोले ठीक है सब ध्यान रखेंगे इस बात का अभी चलिए फिर इसके बाद में आगे ध्यान दीजिएगा देश शैल बी पर्सन ऑफ द एमिनेंस इन द पब्लिक लाइफ मतलब जिनको अपॉइंट करने की बात की जा रही है ना उनकी बात कर रहा ऐसे लोग होने चाहिए जिनका बोले जनता में क्या है रेपुटेशन है नामी गिरामी लोग रहे हैं बड़े पोस्ट पर रहे हैं ठीक है विद वाइड नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस इन द लॉ कानून का नॉलेज रहा अच्छी बात है साइंस का नॉलेज रहा मतलब अगर आपने किसी साइंटिस्ट को भी वहाँ पे अपॉइंट किया तो वो भी चलेगा टेक्नोलॉजी का नॉलेज रहा तो भी चलेगा सोशल का नॉलेज रहा तो भी चलेगा सर्विस का मैनेजमेंट का जर्नलिज्म का मास मीडिया का एडमिनिस्ट्रेशन का या फिर गवर्नेंस का नॉलेज अगर रहा तो चलेगा मतलब भैया नॉलेजेबल पर्सन होने चाहिए ठीक है एंड जो भी आपके ये कमिश्नर्स हैं चाहे वो चीफ वाला होगा या अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ही वो राज्यसभा का और ना ही वो लोकसभा का कोई मेंबर होना चाहिए और ना ही वो एमएलए होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर का भी वो मेंबर होना नहीं चाहिए गॉट द पॉइंट फिर इसके बाद में शेल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट मतलब आपके पास में ये वाला ऑफिस है ना यहां से आपको रेमेशन मिल रहा है बोले हाँ इसके अलावा आपकी कोई और जगह नहीं होनी चाहिए जहां से आपको पैसा आता हो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट और कनेक्टेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और एनी प्रोफेशन मतलब जिस टाइम पे पे आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पे काम कर रहे हो उस टाइम पे आपको सिर्फ ये काम करना है इसके अलावा कोई दूसरा काम जो है वो आपको करना नहीं है इस बात को ध्यान में रखिएगा ये ध्यान से सर यहां पर बोले अगर मैं कमिश्नर्स के बारे में बात करूंगा दोनों की बात की गई भाई साहब कहां पर लिखू मैं चाहे बोले आप इसके बारे में बात कर लीजिए और चाहे बोले आप इसके बारे में बात कर लीजिए दोनों की बात की गई सबसे पहली बात शुड बी नॉलेजेबल पर्सन नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए सबसे पहली बात ठीक है दूसरी बात शेल नॉट बी शेल नॉट बी एम और एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं होना चाहिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो भी नहीं होना चाहिए एंड शेल नॉ नॉट हैव नॉट हैव एनी अदर प्लेस ऑफ प्रॉफिट और बिजनेस

सी बात अगर अगर मान लो किसी भी कमीशन में चीफ को अपॉइंट किया गया है तो हेड तो वही करेगा ना यार ठीक है तो वो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन हाँ हेडक्वार्टर कहां पे रहना चाहिए दिल्ली में रहना चाहिए दिल्ली में रहना चाहिए नहीं है ठीक है चलिए अगला पॉइंट सेक्शन नंबर थर्टीन ये ध्यान द्या, से रखिएगा सब बोले सी शेल बी अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ सब बोले गवर्नमेंट बता देगा पहले यहां पे लिखा हुआ था कि बोले पांच साल के लिए होना चाहिए लेकिन अब ये कहा गया रुको, रुको 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 बोले तीन साल चार साल पांच साल छह साल दस साल बीस साल जितना भी रहेगा ना हम बता देंगे ये बोले गवर्नमेंट बताएगा ठीक है फ्रॉम द डेट ऑन ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस और जब तक कि उसकी एज जो है वो कितने की नहीं हो जाती सिक्सटी फाइव ईयर्स की नहीं हो जाती है विच एवर इज अर्लियर इसका मतलब क्या हुआ अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल उस बंदे को साठ साल की एज में जब वो बंदा साठ साल का हो चुका था तब अगर उसको अपॉइंट किया गया था तो यहां से लेके मान लीजिए सेवन ईयर्स के लिए अपॉइंट करने की बात की गई अरे कैसे करोगे सर सात साल के लिए अपॉइंट कर ही नहीं, नहीं सकते क्यों क्योंकि सात साल के बाद में अंकल कितने के हो जाएंगे सिक्सटी सेवन के हो जाएंगे अब सड़सठ -सड़ साल का आदमी जो है वो अलाउड ही नहीं है यहाँ पे मैक्सिमम इसका जो टेन्योर है वो कितना हो सकता है सिक्सटी फाइव की एज तक का हो सकता है पैंसठ साल की एज तक का हो सकता है उसके ऊपर नहीं हो पाएगा ये समझा ठीक है सर फिर नॉट एलिजिबल फॉर द री अपॉइंटमेंट जो बंदा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ना उसको दोबारा अपॉइंट नहीं किया जाएगा भले ही, हो सकता है आपने कहा कोई बंदा सत्तावन साल का था तो सत्तावन साल के बाद में बोले तीन साल के उसको क्या बनाया गया चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया सात और तीन कितने हो गए सर साठ हो गए सर एक काम करते हैं और दो साल के लिए कमिश्नर बना दे क्या ना नॉट अलाउड नहीं कर सकते ये अलाउड नहीं होगा वैसे ठीक है चलिए अगला सैलरी जो है गवर्नमेंट बता देगी पहले कुछ और लिखा होता पहले क्या लिखा होता अपने को क्या करना है छोड़ दो उसको मेन पॉइंट क्या है बोले गवर्नमेंट बता देगी कि कितनी सैलरी होनी चाहिए एंड दिस विल नॉट बी वेरीड इसको चेंज नहीं किया जाएगा टू द डिसएडवांटेज ऑफ द सीआईसी ड्यूरिंग द सर्विसेज मतलब मतलब ये कि यहां पे इंप्रूवमेंट हो सकता है पहले आपकी सैलरी साठ हजार थी साठ से बोले पैंसठ कर दी जाएगी सत्तर कर दी जाएगी उसको नीचे नहीं किया जाएगा ठीक है बढ़िया अगला सर बोले जो आपका एवरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात कर रहे हैं शेल होल्ड द ऑफिस फॉर सच टर्म एज मे बी प्रस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और टिल द एज ऑफ सिक्सटी फाइव इसके बारे में भी सेम बोला गया एलिजिबल फॉर द री अपॉइंटमेंट एज इन्फॉर्मेशन कमिश्नर आपको दोबारा से इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट नहीं किया जाए लेकिन 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 आपको बोले यहां पर क्या कर सकते हैं एवरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर शेल ऑन वेकेटिंग एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बट इन दैट केस हेज टर्म ऑफ द ऑफिस शेल नॉट बी मोर देन फाइव इन इन एग्रीगेट एजॉर्मेशन कमिश्नर एंड द सी आई सी मतलब अगर कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर था चीफ वाला नहीं था सिर्फ इंफॉर्मेशन कमिश्नर था अगर ये बंदे की एज थी सत्तावन साल की और इसको बोले क्या किया गया? चार किया गया साल गया साल साल के 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 लिए लिए इसे इंफॉर्मेशन कमिश्नर तौर पे अपॉइंट कितने हो हो गए गए अब इसके बाद में आप इसको क्या करना चाहते हो प्रमोट करना चाहते हो इंफॉर्मेशन सॉरी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा आप मैक्सिमम एक साल के लिए ही इसका दोबारा से अपॉइंटमेंट कर सकते हो <coughs> ये समझ में बोले ठीक है सब चलिए इसको अपन यहां पे कैसे लिखेंगे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात अगर अपन यहां पे करते हैं तो इसके बारे में हमने कहा सर इसका जो टेन्योर होगा टेन्योर मतलब कब तक जॉब करेगा ये करेगा टिल द एज ऑफ सिक्सटी फाइव ईयर्स फाइव ए टर्म एज मे बी प्रस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बस सेम ही चीज है वहां पे अलग तरीके से लिखा होता है, यहां पे अलग तरीके से लिखा हुआ है लेकिन चीज सेम ही सर जब तक कि उसकी उम्र पैंसठ साल की रहेगी ना तब तक के लिए वो काम कर सकता है एंड शेल नॉट बी एंड शेल नॉट बी eligible for reappointment, ठीक है दोबारा से बोले आपको यहां पे अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा आपको यहां से रिटायर होना पड़ेगा और चुपचाप अपने घर जाओ या जाके कोई और काम करो कोई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा वहां चले जाओ ठीक है चलिए लेकिन अगर मैं बात करता हूं अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के बारे में इसके लिए भी सेम पॉइंट ये पूरा का पूरा उठा के क्या कर लेंगे कॉपी पेस्ट टिल द एज ऑफ सिक्सटी फाइव और टेन जो कितना uh, जितना बोले आपको सरकार बोले उत्ता सर शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर बट बट कैन बी प्रमोटेड प्रमोटेड एज चीफ कमिश्नर यह कर देता हूं सी आई सी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पे आपको प्रमोट किया जा सकता है सब्जेक्ट कंडीशन सब्जेक्ट कंडीशन दैट टोटल टेन्योर as information commissioner plus c i c information commissioner plus c i c shall not be shall not be more than 5 years ठीक है दोनों का अपॉइंटमेंट मिला के जो रहेगा वो बोले पांच साल से ज्यादा का नहीं हो सकता और एक बात और ध्यान से सुन। क्या अगर इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का जब रिटायरमेंट वहां पे आ रहा है उस टाइम पे वो 65 का हो गया तो क्या दोबारा कर पाएंगे क्या उसको आगे क्या प्रमोशन करने की बात कर पाएंगे क्या सवाल ही पैदा नहीं होता क्यों क्योंकि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो एज रहेगी ना वो पैंसठ के ऊपर नहीं होनी चाहिए काय को सर पैंसठ के ऊपर बोले लोग सटिया जाते हैं सर फालतू में कुछ भी काम करेगा बोले वो वहां पर ठीक है इस वजह से ये समझ में आएगा भाई साहब राइट चलिए करेंगे इसको आप नोट डाउन जल्दी से फटाफट से फटाफट से करेंगे इसको आप नोट डाउन चलिए फिर इसके बाद में नीचे वाला ये पार्ट इतना और फिर इसके बाद में ये वाला पार्ट डन भाई साहब ठीक है सर चलिए इसके बाद स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में हल्का हल्का फर्क जो है वो आपका यहां पे रहेगा यहां से समझा मैं आपको दे रहा हूं लेकिन इसका चार्ट जो है वो आपको बनाना रहेगा कैसे बनाना है ये मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ ठीक है बस लैंग्वेज जो है वो आप यहाँ पे अपनी यूज करने की कोशिश कीजिएगा फ्लो जो है वो आप ऐसा ले सकते हैं या फिर अगर फ्लो चेंज भी करना चाहे तो वैसा भी आप कर सकते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है चलिए सर सेक्शन नंबर पंद्रह एंड सोलह सेक्शन याद करना नॉट इंपॉर्टेंट पंद्रह एंड सोलह एस आई सी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन विल बी कॉन्स्टिड्यूट बाई द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द गेजेट नोटिफिकेशन ये बहुत ध्यान से जैसे सेंट्रल के लिए ऑफिशियल गैजेट होता है भारतीय राजपत्र सेम ऐसे ही हर एक स्टेट का भी अपना ऑफिशियल गैजेट जो है या अपना खुद का न्यूज़पेपर जो मतलब नॉट एग्जैक्टली न्यूज़पेपर बताने के लिए सिर्फ बोल रहा हूं कि न्यूज़पेपर ठीक है जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट में जो जो काम हो रहे होंगे या जो जो चेंजेस आपके स्टेट के अंदर हो रहे होंगे उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो दिया जाता है पब्लिक को ठीक है इसे भी ऑफिशियल गैजेट कहा जाएगा लेकिन अगर महाराष्ट्र ने किया होगा तो ऑफिशियल गैजेट ऑफ महाराष्ट्र कहा जाएगा अगर अरुणाचल प्रदेश ने किया होगा तो ऑफिशियल गैजेट ऑफ द स्टेट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश ऐसा लिखा हुआ रहेगा ठीक है है चलिए सर इसका भी ऑफिस जो बोले और या फिर जितना बोले सरकार आपको यहां पे बताएगी और यहां पे आपको भी रीअपॉइंट करने की बात जो है वो नहीं की जाएगी हाउ जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है शेल ऑन द दैकेंडिंग ऑफिस ऑफिस भी एलिजिबल एज अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर SQ लिखा है सामने स्टेट लेवल की बात कर रहा है। पे जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जैसा वहां पड़ा था वैसे, के वैसे आपको यहाँ पे दिया गया ठीक है अगला पॉइंट सर बोले यहाँ पे कमीशन में कौन कौन आएगा एक तो चीफ कमिश्नर और बाकी दस और आपके क्या हो सकते हैं अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो बोले आपके हो सकते इनको अपॉइंट कौन करेगा गवर्नर सर वहां पे लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहां पे लिखा है स्टेट का गवर्नर इसको रिकमेंड कौन करेगा सर रिकमेंड करने के लिए वापस से कमेटी को यहां पे बनाना पड़ेगा जिसका हेड सर पीएम तो नहीं रहेंगे सर कौन रहेगा जो आपके स्टेट का चीफ मिनिस्टर है वो रहेंगे ठीक है ऑफ द हु इज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी अदर मेंबर इंक्लूडिंग द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लेजिसलेटिव असेंबली विधानसभा में जो भी अपोजिशन में बैठा होगा वो रहेगा और एक बोले आपका कैबिनेट रहेगा जो कि बोले आप खुद यहां कि चीफ मिनिस्टर जो होगा करेगा? नॉमिनेट करेगा सर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो, तो जैसी क्वालिफिकेशन अपने सेंट्रल के कमिश्नर्स के बारे में बात करी वैसी ही क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी भी होनी चाहिए सर सैलरी की बात करें तो बोले आपका जो गवर्नमेंट रहेगा ना वो यहां पे बता देगा कितनी सैलरी जो है वो रहनी चाहिए ठीक है सैलरी जो है वो कौन बताएगा सरकार जो है वो आपको बता देगी और इसको बोले चेंज नहीं किया जाएगा आपके डिसएडवांटेज के लिए मतलब प्रमोशन हो सकता है सैलरी जो आपके रहेगी ना उसको इंक्रीमेंट किया जा सकता है उसको डिक्रीमेंट जो है वो किया नहीं जाएगा फिर इसके बाद में सब बोले द कमीशन विल एक्सरसाइज इट्स पावर विदाउट बिंग सब्जेक्ट टू एनी अदर ऑथोरिटी हेडक्वार्टर जो आपका रहेगा शेल एट सच प्लेस एज द गवर्नमेंट में स्पेसिफाई नॉर्मली कैपिटल में रहेगा भाई साहब अब।, अब इतने सारे स्टेट गवर्नमेंट है इतने सारे स्टेट हैं कहां कहां का बताऊंगा आपको मैं यहाँ पे या आप कहां, कहां का एग्जामिनर को जाके बता के आएंगे तो वो लिखने की रिक्वायरमेंट यहां पे नहीं है अदर ऑफिस में भी अगर आपको लगता है कि कहीं और आपको ऑफिस डालना है तो वो भी बोले आप यहां पे क्या कर सकते हैं डालने की बात कर सकते हैं मेरे हिसाब से तो मेरे भाई कि अगर आपने इस चीज को सीधा उठा के यहां से कॉपी किया ठीक है और कॉपी करके क्या कर दिया यहां पे पेस्ट कर दिया और स्वीटेबल चेंजेस जो है वो आपने यहां दिए क्या <coughs> सबसे पहला चेंज यहां पे आ जाएगा सीएम हेड ऑफ द अपोजिशन प्लस स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर यहां पे यूनियन की बात नहीं करेंगे सेंट्रल की बात नहीं करेंगे जिसको नॉमिनेट कौन करने वाला होगा सब लोग सीएम नॉमिनेट करेगा नॉमिनेटेड बाय द सीएम ठीक है रेकमेंड करेगा नेम ऑफ द पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज ए कमिश्नर इन द कमिश्नर इन द एस आई सी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ठीक है सो फिर इसके बाद में यहां पर आ जाएगा क्या गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट गॉट द पॉइंट ठीक है साहब कॉन्स्टिट्यूट करेगा क्या सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यह वैसे ही रहेगा इसको चेंज मत करना क्यों सर ये पहले सेंट्रल लेवल की बात करते यहां पर बात करें स्टेट की बात करें लेकिन है तो चीफ ना ठीक है इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहां रहेगा एज प्रस्क्राइब बाय स्टेट गवर्नमेंट ठीक है वो बता देगा चीफ कमिश्नर होगा अदर कमिश्नर्स होंगे जो कि दस से ज्यादा नहीं होने चाहिए एज रहेगा सिक्सटी फाइव का एज मे भी प्रस्क्राइब बाय द यहाँ पे भी आ जाएगा आपका कौन सा स्टेट वाला गवर्नमेंट ठीक है एंड शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर द री अपॉइंटमेंट यहाँ पे टिल दिस दिस जिस एज मे बी प्रस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर द री अपॉइंटमेंट एज आई सी बट कैन बी प्रमोटेड एज अ सी आई सी सब्जेक्ट टू द कंडीशन ठीक है 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 डन हो गया राइट फिर ये भी सही ये भी सही और ये भी सही खत्म हो गई बात बन गया पूरा का पूरा एग्जैक्टली सेम टू सेम कोई फर्क नहीं है पूरा का पूरा सेम है बस हल्के से चेंजेस जो है वो अपने हाँ पे किए राइट चल कर लो फिर इसको भी नोट डाउन आप इफ यू टू या फिर खुद से करके देखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपको प्रैक्टिस करने में मजा आएगा ठीक है ध्यान से जहां पे भी स्मार्ट वर्क कर सकते हैं वहां पे हार्ड वर्क करने की कोशिश ना करें मेरे भाई इस बात को ध्यान में रखें ठीक है ये हो गया फिर इसके बाद में ये हो गया और फिर इसके बाद में ये वाला हो गया चलिए लेटस मूव अहेड अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और यहां पे थोड़ा सा ध्यान जो है वो दीजिएगा मेरे भाई क्या है पावर क्या क्या सर इंफॉर्मेशन कमिश्नर चाहे बोले वो आपका स्टेट लेवल पे होगा या फिर सेंट्रल लेवल के लेवल पे होगा उसका पावर क्या है तो ये बहुत ध्यान से सर बोले पावर के बारे में सेक्शन नंबर अठारह में बात करी गई है सेक्शन याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है सर सी और एस आईसी हैज ए ड्यूटी टू रिसीव द कंप्लेट फ्रॉम एनी पर्सन कोई भी बंदा जो है कंप्लेन कर सकता है ठीक है जिसको बोले या तो इंफॉर्मेशन वापस है हु हैज नॉट बीन एबल टू सबमिट द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट बिकॉज पी आईओ हैज नॉट बीन अपॉइंटेड सर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मैं गया था लेकिन वहां पे कोई पी आई ओ ही नहीं है सर तो आप कहां जा सकते हो कमीशन के पास में जा सकते हो कि सर मुझे वहां की इंफॉर्मेशन चाहिए लेकिन कहां से मिलेगी कुछ पता ही नहीं दूसरा सर बोले पी आई ओ ने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया तीसरा हैज रिसीव्ड नो रिस्पॉन्स टू हिस्स इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट विद इन दिफाइड टाइम पीरियड सर तीस दिन का टाइम पीरियड था वो खत्म हो चुका है सर वो डिपार्टमेंट से मेरे को कुछ भी नहीं आया सर ठीक है और हु थिंक द फीस चार्ज जो है वो क्या है अनरिजनेबल सर कुछ भी फीस चार्ज करने की बात कर रहे हैं कानून में लिखा हुआ सौ रुपए में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा वो तो पांच हजार रुपये मांग रहे सर हजार रुपए मांग रहे सर आठ सौ रुपए मांग रहे सर फिर इसके बाद में थिंगस इन्फॉर्मेशन गिवन जो है वो कंप्लीट नहीं है झूठी है मिसलीडिंग है और या फिर एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू ऑपनिंग द इन्फॉर्मेशन अंडर दिस लॉ भैया सीधा बोल दो कि अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वहां से या तो आपको इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही है या तो फिर वहां पर कोई पी आईओ जो है वो अपॉइंटेड ही नहीं है या तो बोले वहां से जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो मिसलीडिंग वाली है आधी अधूरी है या झूठी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है या फिर फीस जो चार्ज की जा रही है वो अनाब शनाब फीस जो है वो वहां चार्ज की जा रही है और या फिर इन्फॉर्मेशन रिसीव करने से लेके उस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में आपके पास में कोई भी कंप्लेट अगर होगी वो सीधा कहां जाके करेंगे इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास में जाके कर देंगे ठीक है इफ द कमीशन फील सेटिस्फाइड एन इंक्वायरी में बी इनिशिएटेड एंड वाइर इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी द कमीशन हैज सेम पावर एज ऑफ द सिविल कोर्ट सिविल कोर्ट के बराबर का पावर दिया गया भाई साहब ऐसा लगा लो कि आपको कटघरे में खड़ा कर सकता है यहां पे कमीशन किसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के उस ऑफिसर को अगर वो पी होगा तो उसको अगर वो एपीआईओ होगा तो उसको और अगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हेड होगा तो उसको भी लपेट सकता है ठीक है द सेंट्रल कमीशन और द स्टेट कमीशन ड्यूरिंग द इंक्वायरी ऑफ एनी कंप्लेन अंडर दिस एक्ट मे एग्जाम एनी रिकॉर्ड विच इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी एंड नो सच रिकॉर्ड मे बी विदहेल्ड फ्रॉम इट ऑन एनी ग्राउंड प्रोवाइड करना ही पड़ेगा कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है वो ये नहीं सर सॉरी कॉन्फिडेंशियल कहतेमेशन है हम नहीं दे पाएंगे अबे भैया एक सेकंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन तुम जनता को नहीं दे पाओगे ये समझ में आ गया पर मैं तो कमिश्नर हूं मैं तो खुद बोले यहां पे गवर्नमेंट का आदमी हूं तुम मेरे को कैसे नहीं दोगे हैं कर रहे है बकवास समझ में आई तो ये ध्यान रखिएगा सर एपलेट ऑथॉरिटी ये बहुत ध्यान से सुनिएगा ऑल दिस के बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं लेकिन फिर भी सर बोले कोई भी पर्सन जिसको बोले इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं होती है विद इन द स्पेसिफाइड टाइम और या फिर वो एग्रीव है डिसील अंडर द एक्ट सबसे पहला जो अपील आपका होगा वो आप करोगे तीस दिन के अंदर अंदर सर कहा जाके करेंगे हम ये करने वाले हैं सीनियर इन द रैंक टू दी आई यानी कि उसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो पी आईओ के ऊपर का सीनियर रहेगा ना उसके पास में जाकर अपील जो है वो अपन करेंगे विद इन थर्टी डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द प्रसक्राइब टाइम लिमिट और फ्रॉम द रिसप्ट ऑफ द डिसीजन अगर आ, क्या बोलेंगे डिसीजन जो है वो आपको जब भी होगा हालांकि ये तीस दिन के अलावा भी आपको जो टाइम है वो दिया जा सकता है अगर जिसके पास में आप अपील कर रहे हो वो आपको अलाउ कर दे तो ठीक है दूसरा सेकंड अपील मतलब सर पीआईओ के अगेंस्ट में मैं ऊपर वाले ऑफिसर के पास में गया था लेकिन उसने भी मेरे को सेटिस्फाइड नहीं किया जस्टिफाइड आंसर जो है वो नहीं दिया तो यहां पे आपको 90 दिन का टाइम दिया गया सीधा नब्बे दिन और क्या कहा गया आप जा सकते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन के पास में बोले ठीक है साहब इन नाइनटी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसीजन और या फिर अगर आपको डिसीजन प्रॉपर नहीं दिया गया होगा तो फिर उसके हिसाब से हालांकि यहां पे भी आपका जो डिले रहेगा वो क्या कर सकते हैं खंडन किया जा सकता है ठीक है और फिर आता है थर्ड पार्टी अपील अगेन्ट दी आई डिसीजन सर थर्ड पार्टी बोलता है सर कोई तीसरा बंदा आया था वो आके मेरी इंफॉर्मेशन मांग रहा है इसने दे भी दिया को बताया पूछा भी नहीं राइट तो जो थर्ड पार्टी होगा ना वो भी बोले जा सकता है सोल्यूशन का फर्स्ट एपलेट ऑथोरिटी एंड विद इन डेज ऑफ द डिसीजन ऑन द फर्स्ट अपील बिफोर दिए इन्फॉर्मेशन कमीशन विच इज दिटी लेकिन यह ध्यान सेवा ऐसा आपने इंफॉर्मेशन सही प्रोवाइड करी या नहीं करी इसका बर्डन जो रहेगा ना प्रूव करने का वो हमेशा किसके ऊपर रहेगा पीआईओ के ऊपर रहेगा मतलब जो जनता है उसको यहां कुछ भी प्रूव नहीं करना अगर जनता ने कह दिया कि तुम इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो तो ये तुमको प्रूव करना पड़ेगा सर मैंने दिया था सारी इंफॉर्मेशन दे दिया सर जो लॉ के हिसाब से थी अंडरस्टुड द पॉइंट उसमें जनता को कड़गरे में खड़ा किया नहीं जा सकता है इस बात को ध्यान में रखिएगा अंडरस्टूड द पॉइंट ठीक है फर्स्ट अपीलोज ऑफ विद इन थर्टी डेज पहला आपने अपील किया है सुपीरियर ऑथोरिटी के पास में, 30 दिन में आपने अपील किया था तो अगले तीस दिन के अंदर सुना देगा हालांकि फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट और विद इन सच एक्सटेंडेड पीरियड जो कि फोर्टी फाइव डेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्ड इन राइटिंग टाइम पीरियड को बी एक्सटेंडेड बाई फिफ्टीन डेज इफ नेसेसरी मतलब तीस से पंद्रह दिन और यहां पे एक्सटेंड करने की बात जो करी जा सकती है ये ध्यान से भाई साहब क्या कहा गया कि अगर मान लीजिए कोई भी इंसान है ये मैं बता चुका हूँ पहले ये न बताया था मैंने आपको यहां पे ठीक है क्या हुआ कि विद इन थर्टी डेज रिप्लाई आएगा, आएगा आपको अगर रिप्लाई नहीं आता है अगर आपका एप्लीकेशन जो है वो क्या हो गया रिजेक्ट हो गया तो यहां से आ गया जो भाई साहब अगर आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है तो ऐसे केस में विद इन एक सेकेंड हाँ, अगर ऐसा होता है तो बोले विद इन थर्टी डेज थर्टी डेज सीनियर ऑफिसर ठीक है इसके पास जाके अपन अपील कर सकते हैं ठीक है फिर इसके बाद में जो सीनियर वाला ऑफिसर आपका ये रहेगा ये क्या करेगा ये अपना ऑर्डर पास करेगा कब करेगा अगेन यहां पे थर्टी डेज दिया गया है प्लस पंद्रह दिन का एक्सटेंशन दिया जा सकता है दिन ऑर्डर पास करेगा अगर ये ऑर्डर आपको पसंद नहीं आया और इसके अगेंस्ट में आप अपील करने की बात करते हैं तो अपील जो है कर सकते हैं किसके पास में इंफॉर्मेशन कमीशन के पास कितने दिनों के अंदर भाई साहब बोले विद इन नाइनटी डेज ठीक है नब्बे दिन में आपको अपील करना है और जो कमीशन आपका रहेगा ये यहां पे जो भी ऑर्डर पास करेगा कितने दिनों में सर जहां पे आपको डेज के बारे में दिया हुआ नहीं है या फिर दिया हुआ है लेकिन आपको ध्यान नहीं आ रहा तीस दिन कहां पे चालीस दिन कहां पे पैंतालीस दिन कहां पे ये याद ही नहीं आ रहा तो ऐसे केस में ऑर्डर विद इन प्रस्क्राइब्ड टाइम पीरियड स्क्राइब टाइम पीरियड आपका जो भी रहेगा ना उसमें बोले जो ये ऑर्डर आपका होगा वो बोले यहाँ पे पास कर दिया जाएगा खत्म हो गई बात राइट चलिए सर फिर इसके बाद में पेनल्टीज वगैरह भैया पेनल्टीज अगर मैं फ्रेंकली बोलू तो आपको याद वैसे रहने वाला नहीं है बट फिर भी एक ट्राई जो है वो आप यहां पे कर सकते हैं क्यों याद नहीं रहेगा सर बहुत सारे आ, एक्ट हैं उसमें बहुत सारी पेनल्टीज हैं ठीक है सर सेक्शन नंबर ट्वेंटी जो है वो पेनल्टीज के बारे में बात करता है ऑन द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर फेलिंग टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन क्या कहा गया कि आपको ढाई सौ रुपए फॉर इच डे इन डिफॉल्ट लेकिन मैक्सिमम कितना पच्चीस हजार रुपए की पेनल्टी जो है वो लग सकती है अगर आपने अपना काम इनमें से कोई भी काम जो है वो अगर आपने प्रॉपरली नहीं किया तो इंफॉर्मेशन या तो प्रोवाइड नहीं करी आधी अधूरी प्रोवाइड करी देने से मना कर दिया डिले आप कर रहे थे वगैरह 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 अगर इनमें से कुछ भी किया तो ऐसे केस में पेनल्टी आपके ऊपर लगेगी द कमिश्नर एट द सेंट्रल और द स्टेट लेवल विल हैव टू पावर टू दिस पेनल्टी कैन ऑल्सो रिकमेंड डिसिप्लिनरी एक्शन डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लेने के मतलब आपका सर्विस सस्पेंड कर दिया गया आपको हटा दिया गया जाओ जाओ घर जाओ बोले चुपचाप ठीक है वॉलेशन ऑफ द लॉ अगेंस्ट द पी आईओ फॉर परसिस्टेंटली फेलिंग टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी रीजनेबल कॉज विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का मतलब क्या है कि आपकी सर्विस जो उसको वहां पर सस्पेंड किया जा सकता है ठीक है चोरी. अगला जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट सर ध्यान से एज पर सेक्शन नंबर ट्वेंटी थ्री लोअर कोर्ट आर बार्ड बार्ड मतलब मना किया गया अगर इस मैटर को लेके कोई भी डिस्प्यूट अगर रहेगा ना तो कोई भी सिविल कोर्ट के अंदर कोई केस फाइल नहीं किया जा सकता क्यों अबे ये पागल है क्या ऑलरेडी यहां पे कमीशन बैठा के रखा हुआ है जिसके पास में सिविल कोर्ट के बराबर का पावर दिया हुआ है और तुम फिर बिल्कुल ना मैं तो कोर्ट में जाऊंगा क्या करेगा कोर्ट में जाके ये समझा तो कहा गया है कि कोई भी लोअर कोर्ट लोअर कोर्ट का मतलब यहां पे क्या बेटा सिविल वाले कोर्ट सिविल कोर्ट ठीक है जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी नीचे आपके आते होंगे ना उसे कहा जाएगा लोअर वाला कोर्ट ठीक है चलिए तो उनको कहा गया कि आप इस मैटर को लेके कोई भी जो एप्लीकेशन रहेगा या फिर आपके पास में अगर कोई केस आता है आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते ठीक है चलिए अगला पॉइंट सब ले सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रूल यहां पर क्या रहेंगे तो ध्यान से सेक्शन नंबर ट्वेंटी के हिसाब से यहां पर बोला गया है सबसे पहला आपको यहाँ पे एजुकेशनल प्रोग्राम जो है वो डेवलप करने चाहिए ऑर्गेनाइज करने चाहिए ताकि जनता को ये पता चले कि कौन सी कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो बोले आप यहाँ पे ले सकते हैं और क्या क्या यहाँ पे एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हैं जिसका कि आप यहाँ पे फायदा यहाँ पे ले सकते हो दूसरा एनकरेज द पब्लिक अथॉरिटीज टू पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सच प्रोग्राम क्यों अबे अल्टीमेटली इन्फॉर्मेशन तो वही डिपार्टमेंट को देना है अगर वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो वो आपको अच्छे से बता पाएंगे कि कैसे हम यहाँ पे जनता को इन्फॉर्म्ड कर सकते हैं प्रमोट टाइमली एंड इफेक्टिव डिजेमिनेशन डिजेमिनेशन का मतलब क्या होता है देना प्रोवाइड करना ऑफ द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन बाय द पब्लिक अथॉरिटी, ट्रेन द ऑफिसर्स एंड डेवलप द ट्रेनिंग मटेरियल, कंपाइल एंड डिजेमिनेट यूजर गाइड फॉर द पब्लिक इन रिस्पेक्टिव ऑफिशियल लैंग्वेज एंड पब्लिश द नेम डेजिग्नेशन पोस्टल एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट डिटेल ऑफ द पी एंड द अदर इंफॉर्मेशन

समझा क्या भाई साहेब मजा आया क्या जल्दी से बता दीजिएगा इजी पीजी ये सो नो इजी पीजी हां इजी पीजी या ना यस यस गुड टू गो गुट्टु गुटगो गुटगो गुट गो गुट्टु चलिए भाई साहब बहुत ही बढ़िया बहुत 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 ही बढ़िया लक्ष्मी लव यू टू बेटा मज़ा आ गया ग्रेट भयंकर वाला मजा आ गया सर बोले बहुत ही बढ़िया वाओ सर इट्स अमेजिंग ओके नाइस सर का टाइम टेबल भी आज की तरह रहेगा मतलब कल का पूछ हो कि सर का पूछ हो कल संडे बेटा कल आपकी कोई क्लास नहीं रहेगी बस एक सेशन रहेगा मेंटरशिप वाला जिसमें आपको बताया जाएगा कि आगे की जो क्लासेस है वो कैसे कंटिन्यू करेंगे अपन कैन दी हूं इसी इट्स वेरी ईजी सर जो सेंट्रल कमिश्नर बन चुका है फिर स्टेट कमिश्नर बन सकता है मतलब तुम ये बोल रहे हो कि जो बाप बन चुका है क्या वो बाप पे से बेटा बन सकता है क्या कैसी बातें कर रहे हो बेटा नहीं बन सकता सर so, जो आप हिंदी में डिफाइन करते हो मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नोट्स बना रही हूँ दैट्स गुड और नॉट वेरी गुड यही करना है आप समझाए और समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता सर जो हमारी ट्वेल्थ के बाद जो कॉलेज से फोन आता है वो पी देते हैं क्या इंफॉर्मेशन नहीं।, नहीं।, नहीं साहिल के सर से ऊपर से जा रहा है साहिल मेरे भाई बाकी जनता एक बार बताओ भाई क्या जो आज का कंटेंट था इसमें ऐसा कुछ हुआ क्या कि मतलब मैंने आपको प्रॉपरली चीजें नहीं बताई या फिर कोई चीजें आपके सर के ऊपर से जाने वाली थी चलिए मोहम्मद फहाद मिर्जा सर आप ग्रेट हो मजा ही आ गया चैप्टर पढ़ के बहुत ही बढ़िया चलिए ठीक है साहिल मेरे भाई प्लीज सुबह सुबह फूंक के मत बैठना अदरवाइज ऐसा ही होगा आपके साथ में कि आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी और चीजें जो सर के ऊपर से जाएगी सर कल के डाउट्स भी हम आज पूछ सकते हैं येस बेटा पूछ सकते हैं आज के पहले का जितना भी कंटेंट हो गया होगा ना उनके सबके जो डाउट रहेंगे वो आप अगली क्लास में पूछ सकते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशन अगर कल कोई ऐसा डाउट था जो कल की क्लास में सॉल्व हो चुका है लेकिन आपने वो नहीं देखा था तो वो आप आज मत पूछिएगा मतलब आपका आपकी जिम्मेदारी ये है कि आज का डाउट सॉल्विंग सेशन अटेंड करने के पहले या उसके लिए डाउट पूछने के पहले आपको कल का जो डाउट सॉल्विंग सेशन है ना वो आपको अटेंड कर लेना चाहिए अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगा कि जो बेचारे बच्चे कल अटेंटिव थे पंक्चुअल थे उन्होंने अपना डाउट पूछा उनका कल ही डाउट वो सॉल्व हो चुका है और वही डाउट मैं अगर आज भी ले रहा हूं रिपीटेटिव वहां पे अगर हो रहा होगा तो बेचारे उनको बोर होगा वो बोलेंगे हमारी क्या गलती यार हम यहां पे क्यों बैठे फालतू में ठीक है इसलिए ओके भाई साहब तो रुकते हैं यहीं पर ही और मिलते हैं साढ़े ग्यारह बजे अगली क्लास के अंदर एस बी सी सेकेंड चैप्टर चालू वहां पे अपन करेंगे जिसका नाम क्या होगा टाइप्स ऑफ द कंपनीज राइट टिल देन टेक केयर बाय बाय एंड लव यू